जेतेबेले प्रभुंकर पाद पद्मर दर्शन टिकिए हे जाए। सत्संगरु अव्याहति नहीं भगवान शंकर निजर पत्नी सतींक सहित आकाश मार्गरे गमन करिवे। दाक्षिणात्यरु उत्तर भारत पुनर्वार गमन करिवे। आउ एही समय रे त्रेता युगर समय बोली यज्ञवल्क टिके सूचना देथिले एक बार त्रेता युग माही। तेणु त्रेता युगरे भगवान श्रीरामंकर धरावतरण हुए। भिन्न भिन्न कल्पर जेतेबेले युगर आवर्त आसे युग को युग एही मते परमानंद ए जगते जेऊ समय रे युगर आवर्तरे त्रेता युग आसे भगवान मध्य नरतनु धारण करि आसंती। तो भगवान नरतनु धारण करि आसीचंती। कथा सुनी राम रसरे संपूर्ण भाव रे जड़ित थिबा बिगळित हो जाइथिबा शंकर भगवान आखिरु दुईटोपा प्रेम अश्रु गड़ी मने मने परिकल्पना करुछंती आहा हा मो प्रभुंकर टिके दर्शन हो जानतानी। कथा श्रवणर पुण्य फल मते टिके मिली जानता। आकाश मार्गरे मन जानरे गमन करुछंती पति पत्नी। एपटे भूपृष्ठ रे सही समान समय रे राक्षस राज रावण माया मृगर प्रयोग भगवान माया मृग को हत्या कला परे ता तुंडरु हा लक्ष्मण शब्द सही शब्द को श्रवण करी सीतामातांकर भर्सना लक्ष्मण जी भगवान श्रीरामंक पाखरे पहुंचिबा आउ मां सीतांकर अपहरण। यही सुंदर दृश्यपट बा लीलाटी भूपृष्ठ रे दंडक अरण्य रे चली भगवान निज पत्नी को हरैचंती। प्राणाधिका पत्नी सीता जानकी वैदेही आउ व्याकुल होई भगवान कांदुचंती। साधारण संसारी मनीषटिए निजर प्रियजन को हरई जेभली भाव रे दुख प्रकाश करे भगवान अबिकल सेई भाव नै कांदुचंती। गछ को कुंडही पकौचंती गछ को पचारुचंती हे वृक्षलता दयाकरी कुह देखिचकी मोर पत्नी वैदेही एठी एई आश्रम रे रहुथला ताकु तो चिन्ही थिबो कुआडे गला। एई अद्भुत दृश्य को भगवान शंकर आकाश मार्गरु दर्शन करी प्रभुंकर कृपा पाई गले बोली मने मने ढेर खुशी होउचंती। खुशी होवार जोड़िए कारण प्रथम प्रभुंकर लीला दर्शन एड़े सहजरे प्रभुंकर लीला दर्शन रो सौभाग्य मिले ना। द्वितीय लीला रे शामिल होवार सुजोग प्रभु आउ टिकिए गले कांदी कांदी जिबे कबंध सबरी पंपा सरोवर मझिरे जटायु रही गले तापरे ऋषमुख पर्वत सेठी हनुमंत जींकर भेट हबो एकादश रुद्र अवतार नहीं मु अपेक्षा करीची महाप्रभुंकर सेवक हेबी बोली। तेणु जोड़िए कारणरु भगवान शंकर गदगद। तेणु बड़ सुंदर शब्द नहीं गोस्वामी आम मानक पाखरे पहुंचुचंती ग्रंथर नाम रामचरित मानस। हृदय विचारत जात हर केही विधि दर्शनु होई गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोई। गुप्त रूप रे अवतरित हुई महाप्रभु ए जो लीला करुचंती दर्शन करिवार अभिलाषा जहाँ शंकर भगवान को मनरे थिला ताहा आज सार्थक हो जाउची एवं प्रभु गुप्त रूप रे अछंती जानी एक कथा को प्रकट न करिवा पाई दूररु थाई शंकर भगवान प्रणाम करुचंती। सती माता
संदेह युक्त मन राम कथा शुणा को जाते कि पारिना संदेह युक्त मन ग्रहण करी संदेह युक्त मन संशय युक्त चित्त जेतेबेले देखिले भूमि उपरे केही जणे जीव जटा जुट विमंडित वृक्षलता को कुंडेई कांदुची पशु पक्षी को निज स्त्रीर ठिकणा पचारुची आउ भगवान शंकर प्रणाम करुचंती से आश्चर्य होगले काहीकि शंकर भगवान केवल गुप्तरे गुप्तरे प्रणाम कले आकाश मार्ग रु दर्शन कले ए संपर्क रे गोस्वामी कहुचंती बर मागिला बेले रावण बर मागिथिला मु मनुष्य हाथ रे निधन हेबी ब्रह्म साक्षात रे मनुष्य तनु धारण करी आसी चंती एक कथा जदि विमोचित होई जीव रावण कहिबो ब्रह्मा के पाखरे ये तो साक्षात रे परम ब्रह्म नारायण ये मनुष्य तनु धारण करी आसिले अर्थात मत ठकिबा पई आसिले तेणु कथाटा गोपन रे रहू केउठारे हेले सेतिपाई भगवान श्रीराम निज को परम ब्रह्म बोली केउठारे हेले प्रकाश करिनाहंती रामायण छत्रे छत्रे से केवल जड़े सुंदर सुआचरण युक्त मनुष्य ही शेष पर्यायर रावण निधन पर जगत जन पाखरे परमेश्वर परमानंद परम ब्रह्मंकर कीर्ति प्रतिष्ठित तेणु शंकर भगवान को तुंडरु अनायस बाहर बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल हरि बोल राम जय राम जय जय राम चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता श्री राम जय राम हरि बोल हरि बोल जय राम श्री राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय माँ मने बापा मने भगवान शंकर कहते जय सचिदानंद जय जग पावन हे महाप्रभु आपणकर जय हो जय हो जय हो आहा सुंदर भाव रे विगलित चित्तरे दिव्य प्रेम रे छल छल हे गदगद चित्त हे दुईटोपा प्रेम अश्रु निगाड़ी जितेबले सप्रेम प्रणाम करुचंदी शंकर भगवान सतींकर भ्रम उपजुची संशयासक्त मन से भ्रम उपजीवा स्वाभाविक अच्छा भ्रम केतेबेले उपजीव नाही जेतेबेले आपण प्रेम रे कथा सुनिबे मन रे प्रश्न रहिबो नाही सबु प्रश्नर समाधान कथा सुनिबा द्वारा होई जाए तेणु बारंबार प्रार्थना करिबा उचित महाप्रभु आउ किछि हौ कि न हौ मते टिके कथा सुनिवार सौभाग्य देबे सती तो पाइथिले सौभाग्य किंतु हेइनी घटना रे से निज को रसेइ नहंती रंजेइ नहंती मजेइ नहंती तेणु पचारिले स्वामी कुआडे सियाडे आपण प्रणाम करुचंती कौन आपण एते विगलित कौन आपण प्रेम रे छळ छळ कहा पाई एपटे ब्रह्म साक्षात रे नरतनु धारण करी लीला करुचंती पार्वती माँ कहुचंती ब्रह्मा जो व्यापक बीरज अज अकल अनिह अभेद जी काल ठारु मध्य ऊर्धरे जार जन्म मरण किछि नाही जी असीम जहांकु भेद करिबा जहांकु जानिबा बड़ दुरूह व्यापार जी सर्वव्यापक सर्वनियंता सचिदानंद सी कौन एमती मनुष्य शरीर पाई धरी पारे आदि भी धरले
से तो अंतर्जामी से तो निजे सब कलावाला कोटी कोटी जीव मानकर अंतर भितर थाई तांको अंतर कथा जानुचंदी आउ निज स्त्रीटा कोटी हजिगला जानी पाइले नै ताकु खोजिकिर कांदुचंदी गछ बुछ को पचारुचंदी पशु पक्षी पचारुचंदी व्याकुल होई छाती पिटी कांदुचंदी भुईरे गड़ी जाउचंदी नाय नाय एमिति हेइ पारिबो नै। शंकर भगवान कहिले सती संदेह करना अरे जे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जे सबु किछि कलावाला सेथिरे काहीं कि आमे संदेह पुरेवा जे सबु किछि कलावाला जे हिमालय पर्वत हेइ परिवे से छोटिया ढेलाटा हेइ परिवेनी जे विराट सागर सृष्टि करिचंती से बाहिरे गोटे गाड़िया सृष्टि कले कौन असुविधा हम मनीष मनर बड़ अद्भुत संदेह जी भूमि ठारू भूमा पर्यंत व्यापी सीए केमती गोटे छोटिया बालकर रूप नहीं लीला करेंगे सीए केमती गोटे मनीष शरीर धरी आसवे तेणु एगुड़ाक सब मनगढ़ा कथा विश्व नियंता एपरी करें यारे जी मल्लिफुल सुगंध दे शिखि जी आखु भितर रस दे शिखि जी बाइया चढ़ई को बुद्धि बसा तैयारी कर भितर नहीं कि गोबर रखापी हाँ जी गोबर पक को बुद्धि छोट छोट टेला कर गोबर ताकू गड़े गड़े नहींक्र कहीं के दूर में पहुँचवाई जी उई को बुद्धि दानाए उपर दानाए थो हुंका तोली दवापी आ सी जदि इच्छा कला तो निज सृष्टि कौटी गोटे छोटिया रूप नहीं टी लीला करने संदेह कौटि रहा किंतु सतीमाता संदेह तुटुना गुरु कही थरे बुझेव दिथर बुझेव तीन थर बुझेव तीन थर पर न बुझला लोकों पर हाथ टेकदेव कह हौ रे बापा एत बुझेली बुझिलु नौ तते भगवान भरोसा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान कि जय। तेणु शंकर भगवान मन को मन कहती राम रचिराखा को करी तरक बढ़ा बौसाखा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हेले सती मांकर संशय युक्त मन सीए चाहूचंती मो मनरे थिबा ए संदेह दूर हबो स्वामीन मु ये ब्रह्म की नाही टिके जानिबा को चाहूची आपण तो दूर थाकि जानिगले मु किंतु पाखु को जाई कि जानिबी कहले पाखु को जाई जानिबो कौन करिवो पाखु को जाई किरी मुझे पाखक जाकि परीक्षा करी परीक्षा कर देखी ये प्रकृतर से ही सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वघटघटवासी सर्वव्यापक ब्रह्म ना नाई कहले आरे जी जन्म जन्मांतर परीक्षा नहीं जीव को ये संसार रे सृष्टि करी कृपा करती जी समस्त परीक्षक तांकर परीक्षा नवा हा हौ तुम मनर संदेह तुटेवाई तुमर जेपरी इच्छा सेपरी करी पार बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सती माता भगवान श्री राम को परीक्षा करने पहुँची गले मन मन चिंता कले केमी परीक्षा करी तेणु से कौन कले ना सती सीता है गले अर्थात जहाँ पाई कांदुचंदी भगवान श्रीराम छाती रे हाथ पिटी हा मो बहीदेही तुम्हें कुआडे गल आहा सुकुमारी कुआडे गल जहाँ को खोजुचंती रूप हो गले। अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कहले आरे जड़े मुखटा पिंधिदेला जणंकर जणंकर रूप को ग्रहण करने मेकअप नहीं गला मेकअप नहीं सीना रूपटा ग्रहण कर अंतकरण गुण गुड़ा कौटी ग्रहण कर अंतकरण गुण को तो सहजरे ग्रहण कर सतीमाता सीतांकर रूप सीना ने किंतु कार्य करिवारे फेल मारीगले कौन कौन फेल मारीगले ना भगवान श्रीराम
जो मार्ग दे वैदेही खोजी खोजी जाऊते सीता माता रूप नहीं सती माता तांको आगेरे 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 जाई ठिया हे चालिबा को लागिले। किंतु आपण माने केबे हेले देखी चमती जे कोनोसी छवि बा दृश्यपट रे हौ जे कोनोसी कार्यक्रम रे बा लीला रे हौ पतिंकर पादांक को अनुसरण करिबा सीता सतींकर कार्य। स्वामी आगे आगे पछे पछे सीता ठाकुरानी। गोस्वामी लिखी नांती उभय बीच सिया सोहत कैसी जीव ब्रह्म बीच माया जैसी। उभय बीच अर्थात राम भगवान आगे रे लक्ष्मण ठाकुर पछे रे मझीरे सीता ठाकुरानी स्वामींकर पाद चिन्हर अनुकरण रे अनुसरण रे सती नारी चालंती। आगे आगे जीवार नजर नाही हाँ ये आगे आगे चलिले निज ठकामी निजे पड़िले। लक्ष्मण लाल जाड़गले ये आसीचंती सती माता ये परीक्षा करने आसीचंती मुंडे हाथ दे गुड़ा गच्छमूले बसीगले। सती सीतांग रूप नहीं भगवान श्रीराम को आगे आसीगले कहे नाथ कहीं कांदुच भगवान राम बाट भांगिक चलिले पुणी हा बैदेही हा जानकी कहीं गल प्राणप्रिया मोर कहीक कांदिले ये पुणी थे आगे ठिया हेले कले बोधे भल देखिपारी ना कले स्वामी कहीं कांदुचंती मु तो यही छिड़ा है मत खोजुचना। भगवान हाथ जोड़ी देले कले हे जगत जननी हे जगदम्बा हे भवानी मु दशरथ कुमार आपण को प्रणाम करुची बोली ऐशावर रामचंद्र भगवान की जय। जने संत पचारे कले भगवान तंकु भवानी बोली कही प्रणाम कले ठीक अच्छे हेले दशरथ कुमार बोली निज को कही प्रणाम करिवा ना या पछरे भगवान कर गोटे विद्रूप अच्छी गोटे व्यंग अच्छी से व्यंग कौन ना रे मु नरतनु धारण करी लीला करुची मु से अज सर्वव्यापक ब्रह्म जी रघुवंश रे दशरथ घरे जन्म नहीं आम वंशर कल्याण हब आगरे भवानी तेणु मु मोर पितृपुरुष सहित पाद तले प्रणाम करुची बोली ऐशावर रामचंद्र भगवान की जय। पुणी भगवान कौन कले ना ये विद्रूप को ये व्यंग को ए लीला को आउ टे बढ़े कहले कहे माँ भगवान शंकर कुआडे गले जंगल भितर आप एकुटिया कहीं बुलूं ये कुटिया परा मु मो स्त्री की छाड़ी जाइली जे देखुना किए नहीं कि पलैला ये कुटिया ये बुलतुनि ये दंडकारण्य बड़ विपदग्रस्त स्थान। सती माता भगवान श्रीराम को परीक्षा करने सीता ठाकुरानी रूप नहीं आगे छिड़ा हेले बारंबार छिड़ा हेले किंतु भगवान से भलिले ना कारण से मायापति आगे माया कौन किसी कम कर कि सी सब माया को भेद कलावाला सीए माँ को प्रणाम कर सतर्क करदे वर्तमान पश्चाताप आरंभ है मे शंकर कर कहन माना निज अज्ञानो राम पर आना श्री राम जय राम हरि बोल हरि बोल जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामींकर कथा न मानिले कौन विषमय परिस्थिति हुए ए मोर माँ मैने बापा मैने संसार भितर जो मैंने घर करीच स्वामी स्त्री होइच तेबे विशेषकर मोर माँ मान पाखे अनुरोध घर करिथिला बेले स्वामींकर कथा को सादर ग्रहण करंतु स्वामी जदि विज्ञ स्वामी जदि प्राज्ञ स्वामी जदि सठिक भाव निर्णय कर शिखिंट तेबे तांको कथा को निश्चित रूप से ग्रहण करंतु निज तुंड रे सती माता कहउचंती मोर स्वामी ज्ञानर समुद्र मोर स्वामी जगत कर्ता
ଜଗତର ଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏତେ କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାରିଲା ପଣିଆକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଥିଲା କି? ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା ମନରେ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ମନରେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଲି, ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୋ ମନ ବି ମାନିଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ନା ପରୀକ୍ଷା କଲନି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର କିଛି କଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଏତେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲ, ତଳକୁ ଗଲ, ଖାଲି ଶୂନରେ ସେମିତି ତମ ମନ ମାନିଗଲା। ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପାର୍ବତୀ, ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ସତୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଛଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଦିନେ ସେଇ ଛଳନାରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଠକ ନିଜକୁ ଠକେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ, କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି କରିଦେଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ, ଜାଣିଲେ ସତୀ ମୋର ସୀତା ହେଇଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରାଣାଧିକା ପତ୍ନୀ, ସିଏ ଯଦି ମୋର ମାଆଙ୍କର, ମୋର ବନ୍ଦନିଆଙ୍କର ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ସାଧୁ ଶଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମର ରାମ ପ୍ରୀତି। ଏ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି କେଡ଼େ ବିଷମୟ ହେଇଗଲା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ, ଟିକିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବରୁ, ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ବୋଧର ଅଭାବରୁ, ଟିକିଏ ସ୍ୱାମୀ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତେଜ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସତୀ ମା। ସତୀଙ୍କ ଭ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜେ ମାୟାଧରଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟା କରିଥିବା ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ମିଛ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଛ କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁ ଜାଣିଲା ବାଲା, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ଜାଣିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାରସାଦି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ଜାନକୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ରୂପକୁ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ ସାଇନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେଇଦିନଠାରୁ ସତୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥା କଥାକେ ଡିଭର୍ସ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସକନ୍ଦରରେ ରହିବ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯାଇ କୈଳାସକନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସତୀମାତା ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ସରସତା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଠାକୁରେ ଟିକେ ନରମି ଗଲେଣି, ମନରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ନାହିଁ, ସତୀ ସତୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡାକରା ଥିଲା ତା ଆଉ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଜପିବାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ମିଛ କହିଲି, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ରୋଷ କରି ମୋତେ ତେଜ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେପରି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କି? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରୀତିଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ, ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁଲେ କଇଁ ଫୁଟିଯିବ, ଥିଲେ ଯେତେ ଦୂରେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର।
तेणु जो प्रीतिर अभेद भाव ए अभेद भाव रे मु ही कुटिलता पुरई देली प्रेमर जो निबिड़ संपर्क थिला प्रेमरे मिछ कहिबा प्रेमरे कथा न मानिबा प्रेमरे समर्पण न रहिबा ए तो होची कुटिलता ए कुटिलता आम प्रेम को आम गृहस्थ जीवन को नष्ट कर देला विचार कौन विचार होची गोटे शिक्षा आउ थरे कहूँ मोर माँ माने बापा माने स्वामी जदि योग्य स्वामी जदि प्रवीण जगत जन जदि स्वामी को प्रशंसा करिछंती से योग्यता अच्छी आपण विचार करुछंती अनायसरे माँ माने मोर तांको कथा मानंतु कपटता स्वामी स्त्री जीवन रे केतबेले हेले न पशु उदाहरण देले जलू पाया सरी सबिकाई देखो प्रीति की रीत भली बुझेलानी बुझीवा जलु पय सरी सबिकाई खीर देखी चंदी ना हाँ गायर खीर गोरस खूब मूल्यवान आम समस्ते खाइले से आम शरीर तेज बढ़े बल बढ़े बुद्धि बढ़े सरस आम समस्ते सुंदर हुए चिकन हुए नहीं किंतु जल गोपाल भाई टिके तादरे मिसई देले जल जेतबेले दुग्धरे मिसीगला देख आंक प्रीतिभाव केड़े उन्नत क्षीर जल को निज देहरे मिसई ताकू सबु गुण देदेला क्षीरर गुण देदेला आपण से हाथ पुरैकिरी आ जल को काढ़ी पारिबेनी जहाँ भी आणवे कहबे एटा क्षीर आउ सेई क्षीर बजार रे क्षीरर दाम धर लिटर 40 टंका सेतक भी 40 टंका रे बिक्री हो गला अर्थात जल टिकक जहार मूल्य क्षीर संगे समान नुह किंतु प्रीति एमिति मिसीगला परे निबिड़ता आसीगला क्षीरर गुण क्षीर जल को देदेला आउ जेतेबेले जल मध्य क्षीरर गुण रे बिक्री हो गला जल कृतकृत्य हो गला क्षीर पाखरे जेतेबेले गोपाल भाई ताकु आणी घरे देदेला ठेकी जेतेबेले क्षीर बसिला तलु जेतेबेले उत्ताप दियागला गुबु गुबु हो जेतेबेले क्षीर फुटिबाकु लागिला जल सेतेबेले कहिला हे क्षीर केते नकरिछ मोर तुमे उपकार मु सामान्य जल किंतु मते तुमे गोरसर मर्यादा देइछ मते बजार रे सम्मान देइछ मूल्य देइछ तेणु आज ये दुखर बेल पड़ी आम ताप पाऊचे एतिकी बेले मुही से ताप को ग्रहण करुची अर्थात दीजन साथी उपरे जेतवले विपत्ति पड़े जणे साथी पूर्व बसंबद भाव को ग्रहण करी से दुख को निजे छातीपाती ग्रहण करनी आउ बाष्प ही जाए तुमर किसी मु क्षति हवा को देवी हे क्षीर रही जाओ हे दुग्ध हे गोरस तुम्हें ठेकी सेमती थाओ मु बाष्प ही जाऊँ एक देखी दुग्ध मध्यता प्रीति को छाड़ी पारे ना सी कहे कौन कहल तुमको संताप ताप मोठारू दूर करदेव तेणु से कौन करे ना उत्तुरी पड़े जो निया आम दिज को अलग करुच्ची लिभेदेवी लिभेदेवी उत्तुरी पड़ी निया को लिभेदेवा बारंबार चेष्टा करे क्षीर एही भाव को गोस्वामी श्रीरामचरित मानस ग्रंथ रे गोटे सुंदर स्वर ठारे आम पाखरे उपस्थापित करिछंती कौन कहुचंती जलुपय सरीस बिकाई देखहु प्रीति की रीत भली बिलग होई रसु जाई कपट खटाही परत पुनी कले ये प्रीति को लक्ष्य कले ना हाँ किंतु कपट होची सेई दहीरु दि चारि ठोपा खट्टा भांडे क्षीर रे जिते जल मिशातु प्रीति बढ़िया दि चारि ठोपा दही मिसई दियंतु खट्टा अंश मिसई दियंतु क्षीर फाटी जीव आउ जिते चेष्टा कले भी क्षीर ता पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो नाही अर्थात आपण जदि पारिवारिक जीवन रे टिकिए कुटिलता भर्ती करिदेले
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣ କପଟର ପାଚିରି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ, ସନ୍ଦେହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଫଟେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜରେ ଫେରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବୋଲି ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସତୀ ଏବେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବର୍ଜନ କରୁଛି କରୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କଥାଟା ବେଶୀ ଜଣା ନପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ରାମ ସିଆ 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 ରାମ ସିଆ ରାମ ଶ୍ୟାବର ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇଛି, ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଦେହ ଧରି ରହିବ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବସିଗଲେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ। ପୁରାଣ କହୁଛି 87,000 ବର୍ଷ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ। ଏପଟେ ମା ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆଗରୁ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହି ନ ଯାଇ କଛୁ ହୃଦୟ ଗଲାନି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ମନ ମହୁରା ମହି ସୁମରି ସୟାନି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯୌ ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଦୟାଲୁ କହବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଆରତି ହରନ ବେଦ ଯଶୁ ଗାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ବୋଲି ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି। ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସୀ ମହାରାଜ। କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗାଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଯିଏ ମହେଶ, ଯିଏ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କରି ଠାରେ କପଟ କରି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବେଦ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନ ଦୟାଲ। ଏ ଦୀନ ସତୀ ଠାରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କୃପା ନଜର ପଡ଼ୁ। ମୋର ଯଦି ସତରେ ଶିବ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି କାୟରେ ମନରେ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୃଦପଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରି ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କୃପା ଆଉ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କୃପା କର, ଏ ଜନ୍ମ, ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ତାପର ଜନ୍ମ, ତାପର ଜନ୍ମ ପରେ ତାପରେ ଜନ୍ମ, ଯଦି ସତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ଏ ସତୀକୁ ଭଗବାନ ମହେଶଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାଅ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନେଇ ମା ସତୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଚିତ୍ରିତ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ତୌ ମାଇ ବିନୟ କରହୁ କର ଜୋରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଛୁଟାଇବେ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯୌ ମୋ
मोरे शिव चरण सने श्री राम जय राम जय जय राम मन क्रम वचन सत्य व्रत से श्री राम जय राम जय जय राम मन क्रम वचन सत्य व्रत हुए श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की विनम्रतार सहित सती ठाकुरानी कहुचंती जदि कायरे मनरे वाक्यरे मु मोर स्वामी को इष्टंकु जीवनरे सदा सर्वदा ग्रहण करिछि तांक छड़ा द्वितीय आउ परिकल्पना करी नाही हे विश्व कल्याणमय महाप्रभु मो ऊपर टिके कल्याण कर करुणा कर ए देहटा सिना आउ तंकर योग्य हे रहिला नाही एई देहरु मते उद्धार करी दियो ए देह मोर नष्ट हे जाऊ मते पुनर्जन्म दियो बार बार जन्म दियो आउ तांकरी चरण रे पूणी आनी अर्पण कर मु तांक द्वारा उपेक्षिता होई ए भली भाव रे चली पारिबी नाही रही पारिबी नाही बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय मां माने बापा माने ए भली व्याकुल प्रार्थना भितरे भगवान शंकरंकर हृदय मध्य विगलित होबाकु लागेला 87,000 वर्षर तपस्या भगवान शंकर आखि खोली चाहिले आखि आगरे प्राणाधिका पत्नी सती निरवच्छिन्न भावरे सेवा करी चाली चंती किंतु से मध्य निजर दृढ़ निश्चय आउ संकल्प करी सारी चंती ए जन्मरे ग्राह्यस्थ जीवनरे आउ पतिपत्नीर भाव रहिबो नाही तेणु कौन कले गोस्वामी लिखुचंती जाइ शंभु पद बंदनु किन्हा श्री राम जय राम जय जय राम सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल हरि बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय भगवान शंकर 87,000 वर्षर तप छाड़िले ये जाई तांको पाद तले वंदना कले पूर्वरु कौन होतला ना बामंगी बाम पाखरे गिरिजा बाम पाखरे सती बाम पाखरे विराजमान करूथिले आज किंतु भगवान सन्मुखरे बसेले सन्मुख शंकर आसनु दिन्ना निज स्वामी को मुह को एक लयरे चाही रहिले सती ठाकुरानी स्वामी स्त्री को भीतर कथा हले प्रीतिपूर्ण प्रेमपूर्ण भावपूर्ण गृहस्थ जीवन कथा ही थामता भगवान शंकर कौन कले लगे कहना हरी कथा रसाला श्री राम जय राम जय जय राम लगे कहना हरी कथा रसाला श्री राम जय राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय कौन कहिले ना हरि कथा कहिबा को लागिले जहा जीवन को उद्धार करि देई पारिबो ग्राह्यस्थ जीवन रे प्रीति ठारु हरि कथा रे रति अति ग्रहणीय स्वामी स्त्री वक्ता श्रोता होई परस्पर भितरे सत्संग करिबा उचित
समय मिलले परस्पर भितरे हरि कथा शास्त्र कथा वेद कथा रामायण कथा गीतार कथा महाभारत कथा श्रीमद् भागवत कथा आलोचना करंतु। खाली कौन आसीबो कोठु आसीबो रोसेई कौन हबो कुआडे बुलिया को जीवा ए सब कथा जथेष्ट नुहे। तेणु कौन हला ना हरि कथा रसाळ हेबारु एपटे सती ठाकुराणी उद्धार मार्ग फिटिगला। समान समय रे दक्ष प्रजापति जी सतींकर पिता तांकु ब्रह्मा प्रजापति मानंकर नायक आसन बसई देले बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दक्ष जेते बेले प्रजापति मानंकर नायक हो गले टीम लीडर हो गले भितरे अभिमान पशिगला। अल्प लोके विपरीत जे योग्य नुह से अयोग्य ता हाथ जदि बड़ दायित्व पड़ी जाए ता भितर सांगे सांगे अहंकार आसी जाए। अहंकार मनीषर पाखे पाखे ताल देकर चलुची टिके कौन बड़ हो गला टिके रूप भल हो गला टिके गुण भल हो गला टिके अन्य माने प्रशंसा करदे सांगे सांगे अभिमान बढ़ी बढ़ी चले परल परल हो निज ठारू अभिमान ढेर डेगा हो जाए। आउ बड़ कष्ट ये अहंकार बा अभिमान रो ग्रासरु निजकु बंचेई रखिबा। दक्ष यज्ञ टिए कले पुराण रे एमती वर्णना अछि गोटे सभा ब्रह्मा डाकी थिले जेउंटी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विराजमान हेचंती सेठी दक्ष प्रवेश कले। दक्षंकर जामाता जुआई महेश्वर भगवान तांकु प्रणाम कले नाही। दक्ष तांकु बहु गालीमंद कले कले जुआईटा मते प्रणाम करूनी केड़े अभद्रटा शिष्टाचार शिखिनाई किंतु सतरे आपण चिंता करंतु आपण जुआई कलेक्टर कलेक्टर गोटे मीटिंग रे बसचंती आपण दईबा तो सेठिकी गले कलेक्टर तांकर जो गाइडलाइन अछि जो सामाजिक नियमावली अछि ताकु मानिबे निश्चय तदनुजाई नेता मंत्री आउ जो माने थिबे तांको सहित से आलोचना जारी रखिबे आपण कहीं प्रणाम करिबे जेतेबेले बेळ आसीबो आपण घर को आसीबे सेतेबेले ससुर जुआई हेबे पुणी प्रणाम हबो। किंतु कलेक्टर जिला मुख्य से जिला मुख्य हिसाब रे तांको कार्य निर्वाह करूथला बेळे आपण ससुर हि परिबेनि। शिवशंकर जगत पिता जगत कर्ता सेतेबेले देव सभारे से विराजमान अछंती तेणु तांकटु आशा करिवा ए ससुर को उठिकी प्रणाम करिवे तेणु शिवशंकर किछि भूल करिनांती किंतु ससुरंग मुंड को राग चढ़ीगला बड़ अभिमानी बा अहंकारी हेतिवारु कहिले आज थारू शिव को केही पूजा करना ए लंगलाटा मशाणी रहिला वाला मुंडवाड़ गलारे पकाए देहरे पाउंस बोली हुए छी 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 अमंगलर समस्त चिन्ह तारी पाखरे अछि ताकु केही पूजा करनी। यज्ञ जिए करिवो शिव को आउ हबीर भाग दियोना निजे गोटा यज्ञ कले ट्रेंड सृष्टि करिवे एही भली यज्ञ कर जोटी शिव पूजा रहिवो नाही। किंतु मन रखंतु जे कोनोसी पूजा करंतु जे कोनोसी पूजा शिव पूजा नहले ताहा शुद्ध नुहे। आपण देखिथिबे संकल्प कालरे पात्रीरे कुशवटु चाउल जल सहित अक्षत आउ जल सहित गुआटीए पकई दिया जाए संकल्प सरीगले पात्री ओल्टे ता उपरे गुआटी रखी आपण अभिषिक्त करंती से किए ना से होचंदी शंकर भगवान तंकर लिंग स्वरूप सी लिंग स्वरूप रे परिकल्पना करी आमे संकल्प करे बिना शंकर भगवान को उपस्थिति रे पूजा शुद्धि नाही। किंतु ये बिना शिव रे बिना शिव को निमंत्रण रे गोटिए यज्ञ आरंभ कले। अच्छा बिना शिव रे यज्ञ किए करिवो सेमितिया पुणी केही जने तो आचार्य मिलिले हबो भृगु आचार्य हे गले। एही समय रे सती माता शंकर भगवान को आगे बसी राम कथा शुणुंती हेले आरंभ तो आम कहीचे स्त्री बुद्धि यांकर दृढ़ता नहीं विचलित मन चंचल मन कथा शुणु शुणु गाले रे हाथ दे आकाश को चाहिए
देखिले आकाश मार्ग दे विमान गुड़िए उड़ी 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 जाऊे विमान सब जाऊे सुंदर समस्ते बेश पोशाक पिंधि सुंदर बेश ही विमान जाने कौटिना कौटि गोटे बड़ जतारा होमें टे गले हतानी स्वामी की कहबी स्वामी की कहबी आम दीज भी सांग जीवु ये विमान सब जुआड़े जाऊँगी ढेर दिन है कैलाश कंदर एकुटिया रही रही व्यस्त बिव्रत विरक्त लगला स्वामी निजे जीवे मो सांगे आम भी विमान नहीं बुलाया जीवु सती माता भगवान शंकर पाखरे बसी राम कथा हरि कथा श्रवण करूला बेले आकाश मार्ग रे सुंदर विमान समूह गमन करुथिबार देखि मन मध्यरे चंचल भाव सृष्टि कले गोस्वामी कहुचंती सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विदिनाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुर सुंदरी करहि कलगाना सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की सुंदर हेछि विमान उड़िक आ ये सुंदर विमान भितर सुर सुंदरी माने कलगान करुछंती वृंदगान करुछंती आ से वृंदगानर सुमधुर स्वर जेऊ जेऊ मानंकर कर्णपुटरे निपतित हेब से माने ये सुंदर स्वर को सुणु सुणु से मानंक प्रेम रे पड़ी जिवे आहा हा केड़े मधुर कंठ केड़े मधुर गान कुहा जाउची मुनि मानंकर जोगी मानंकर जोग ध्यान को मध्य ये भांगी देव ये तो सहजे गृहिणी संसारी लोक पलटी चंती भगवान जगदीश्वरंकर पत्नी स्वरूप रे ये लीला करुचंती किए ये सती माँ जगदम्बा जगत जननी जगत कल्याणकारी कल्याणमयी माँ सब तो प्रभुंकर लीला आमको शिक्षा दवापी तेणु माँ चंचल मना है उठिले स्वामी पाखे करपत्र जोड़ी देले हे पतिदेव आपण तो सर्वज्ञाता कहिले कहिले आकाश मार्गर विमान गुड़िक कुआडे जाउचंती भगवान शंकर टिके हसिले कहले ये आपणकर पिता दक्ष प्रजापति प्रजापति मानकर नायक गोटे यज्ञ अनुष्ठान आयोजन करिचंती सत्ते आम पिता यज्ञ करुचंती हाँ हाँ अच्छा एमाने समस्ते पितांगो गृह को जाउचंती इते सुंदर भावे सजेई की जाउचंती यज्ञ उत्सव देखिबे सेथिरे भाग नेबे आमे गले तो हंता पुणी कहउचंती अच्छा पिता हमको निमंत्रण काहे की पठेले नाही शंकर भगवान कहउचंती पिता तीन जन को डाकी नाहंती तीन जन को किए किए सती प्रश्नर उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ सुंदर भाव रे देइचंती विष्णु वीरांचि महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की तीन जन को सी डाकि नहांती ब्रह्मा विष्णु आउ महेश्वर ये तीन जन जाक सेठी की जाऊ नहांती बाकी समस्ते जाउचंती झियो बापघर कथा शुणिले मन तांकर व्याकुल हवा एक स्वाभाविक व्यापार पुणी बापघरे उत्सव होउची जानी यात्रा महोत्सव यज्ञ उत्सव हाँ केते प्रकार कुणिया मैत्र आसवे केते प्रकार हस खुशी आनंद थटा मजा सुंदर परिसर हब बापा न डाकिले कौन है झियो तो झियो बापघर तो बापघर आम घर मुझी हे करुणाकर हे पतिदेव मोर
बापंक घरे बाप घरे एडे बड़ उत्सव होउची आपणंकर जदि टिके अनुमति मिलंता आपण जदि टिके आज्ञा दियंते ताहले मु निश्चय मो बाप घर को जाई उत्सव देखंती बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मानसिक स्थिति सतींकर भलो नाही एपटे बाप घरे उत्सव डाकरा नाही मनटा विचलित मन किंतु होउची बाप घर को जीव टिके हस खुशी आनंद करके आसीबो तेणु कहते पितांक घरे एड़े बड़ उत्सव हे करुणा कर मोर टे करुणा करतु मत बाप घर जीवाप आज्ञा दिं। स्वामी शिव बुझेले कले आहे आम को परा निमंत्रण ना ये लोक जीवे बिना निमंत्रण से तुम्हें जदि जाइले तुम अपमान हेनी निजर गोटे मान सम्मान प्रतिष्ठा तो पुणी अच्छी तेणु बाप घर को जाओ ना ये समय जीवार किसी आवश्यकता ना किंतु सती न छोड़ बंदा नाई नाई मुझ जीवी बड़ सुंदर जुक्ति आउ कथाटे उपस्थापन कर चारज घर को निमंत्रण नथिले सुधा जाई हबो कले कहा कहा पाख को कले यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा कले किए किए ना मित्र घर को निज इष्ट घर को पिता आउ गुरु घर को डाकंतु न डाकंतु चाहंतु न चाहंतु समय असमय एमती किसी ना जा पहुंची हम बड़ सुंदर शब्द गोस्वामी तुलसीदास यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइयु बोले हूँ न संदेहा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की कहले डाकंतु न डाकंतु कौटी कौटी जाइब ना सांग बेस्ट फ्रेंड ता घर उत्सव होमंत्रण मिलनी जाइब आउ किए स्वामी निजर इष्ट डाकि नहांती घरे कौनसी कारणवशत पहुँचवार अच्छी पहुँची हबो निज पितांक घर डाकरा थाउ न डाकरु पहुँची हबो गुरु जी शिक्षा दे विद्या दे ज्ञान दे मार्गदर्शन करी हबो शंकर भगवान कहले जुक्तिटा ठीक लोक चलणी कथाटा ठीक किंतु से स्थान जदि कौन कारण विरोध थाए तेबे से स्थान को जीवा मंगलमय नुह बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ए मोर माँ मैने बापा मैने कथाटा कौन ताले बुझीगलानी जदि पितांक गृह गुरुंक गृह मित्र गृह आउ स्वामी बा इष्टंक गृह ये चारि जणंक घरे बिना निमंत्रण रे पहुँची हबो किंतु विरोध थिले जीव नै कथाटा कौन परिष्कार करी बुझीबा चारि जणंक घर को बिना निमंत्रण रे जाई हबो ये गोटे लोकाचार से लोकाचार पाखरे आ गोटे कथा रही गला शंभु भगवान कहुचंती सती तदपि विरोध तदपि विरोध मान जह कोई कहाँ गए कल्याण न होई श्री राम जय राम हरिबोल हरिबोल जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की यदि कौनसी कारण गुरुंक सहित मनमालिन्य पितांक सहित कौनसी कारण बुझामणारे असुविधा अच्छी जदि कौनसी कारण मित्र सहित बंधुतारे टिके खोइचा आसी इष्टंक सहित जदि कौनसी कारण मत पार्थक्य देखा देछि ताले विरोधाभास सृष्टि हेछि विरोधाभास स्थान को जीव नाही सहज तो आमर एटि बड़ विरोधाभास पिता तुम यज्ञ करवल शिव को तांकर भाग नदवापाई ये नुआ प्रकार यज्ञ बिना शिवरे यज्ञ तेणु ये तो केवल कल्याणकर कार्यर विरोध रे ये कार्य अनुष्ठित होथिबारु सावधान सावधान ये स्थान को तुम्हें जाओ ना तुम कल्याण हबो नाही बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ मने बापा मने
भगवान शंकर अनेक प्रकार बुझेले किंतु ठाकुरानी निजर आग्रह वशत मनरे जो विसर्ण भाव अच्छी ताकू लोप करिबा आवश्यक निजर पित्रालय रे यज्ञ उत्सव रे किछि आनंद पाइबा उद्देश्य रे जीवा पाई एक प्रकार जिद्दी धरी बसिले। भगवान शंकर जानिले समय आसी गला मनरे शुद्ध संकल्प करी जेउ सतींकु से त्याग करिथिले आजि सती आपे आपे तंको ठारु दूर हो जाउचंती। कही देखा हर जतन बहु रही ना दक्ष कुमारी। बहु प्रकार जत्न कले किंतु दक्ष कन्या सती को से रखी पारिले नाही। दिए मुख्य गण संगत विदा किन त्रिपुरारी। एई बोधे आमर शेष देखा मन मन से भाविले जे संकल्प रे मोर माँ सीतांक शरीर को तुम्हें ग्रहण करिथिबारु मु तुमको तेज्य करदेली आज तुम्हें बोधे एठारे मो पाखरु संपूर्ण पृथक होइगल। निजर हठवशत सती माता पितांक घर को जीवाकु चाहिबारु मुख्य दुई जन गण को सांगरे देई तंकु विदा कले भगवान शंकर बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। निजे बसीगले घोर तपरी आउ एपटे जेतेबेले पहुंची गले पितांक घरे कौन घटना घटिला दक्ष सावधान कर दी सुन से शिव आसिले ता मुह को चाहिबनी आउ ता संगरे ता स्त्री आम झियो सती से जदि आसे सीधा मुह के ता संगरे कथा मध्य हबना। जेतेबेले पितांक घरे आग्रहर सहित झियो पहुंची जाए सेतेबेले भाबे मोर भौणी माने आसिबे मोर माँ मोर साथी संगात पुतुरा झियारी बापा आउ अन्य माने जिते गाँवर पुराणा बंधु थिबे से माने सबु मते केते मीठा मीठा कथा कहिबे। अनेक दिन जीवन से बीते ना सबु स्मृति को से गोटी गोटी करी मने पकाए तेणु मनरे आनंद भरी सती माता पितांक घरे जेतेबेले पाद देइचंती कौन हैला पिता भावना जब गई भवानी श्री राम जय राम जय जय राम त्रास कहूँ न सन मानी श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। छोटिया छोटिया स्थान रे अल्प अल्प जगह रे बहुत बहुत कथा गोस्वामी कहीगले दक्ष त्रास दक्षंकर कोप जोगु दक्षंकर टाणपण जोगु दक्षंकर पूर्वरु कुहा जाइथिबा बाणी जोगु न सन्मानी केही सम्मान देले नाही मीठा कथा पदे भी कहिले नाही। आउ कौन हला ना माँ तो माँ ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव पुतुरा झियारी माने सिना सम्मान कले नाही माँ तो माँ सादर भले ही मिली एक माता श्री राम जय जय राम केवल माँ दौड़ी आसिले आहा हा मो झियो आसिला आलो झियो एकुटिया आसीचु जुआई कुआडे गले आहा हा घर भितर को पाछोटी नेले माँ टिके मुह को पछि देले आउ माँ भल अछुटी काहेकि सुखी कला काठ पड़ी गलु लो माँ कौन है कि माँ झीर मन कथा को जाणी ता मनर दुख को बुझी ता मनर दुख को दूर करने सुंदर प्रबोधनमूलक वाक्य कहते समय भौणी माने पहुँचिले। भौणी माने कौन कर भगिनी मिली बहुत मुस्काता श्री राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भगिनी मिली मुस्काता नुहे बहुत मुस्काता
अति सर्वत्र गहिरतम। हाँ भौनी माने मिलिले फसी देई थांदे कुंडे पकई थांदे से अलगा कथा, किंतु भौनी माने बहुत हसुचंती दांत चिपी चिपी हसुचंती। हाँ अर्थात थट्टा करुचंती उपहासर पात्री करी देई चंती। मन मध्यरे दक्ष कुमारी माँ सती बड़ क्षोभ पाइले, मन को बड़ दुख हला। तापर कहले माँ माँ केड़े सुंदर सजावट, केड़े सुंदर सज्जीकरण, ये यज्ञस्थल केते केते अतिथि, केते केते मुनि ऋषि, केते केते गंधर्व किन्नर नाग यक्ष समस्ते आसीचंती। माँ केड़े सुंदर विमान, केड़े सुंदर घोड़ाशाल, केड़े सुंदर हाथीशाल, केड़े सुंदर प्रसाद प्रस्तुतिर व्यवस्था रोषशाल पाकशाल। ए माँ मु जाऊची टिके सब बुली आस। माँ कहले हौ जा झियो सब मन भरी बुलू देखे उपभोग कर सबकि बुलिले सती। जेतेबेले यज्ञ मंडप पाखरे आसी पहुँचिले यज्ञ मंडप को जोड़ हस्तरे परिक्रमा करुचंती, सेतेबेले अद्भुत कथा देखिले सबु देवता मानंक पाई हबीर भाग प्रस्तुत हेउची, सबु देवता मानंक पाई आस्थान रहिची, किंतु तांक स्वामी शिवंक पाई आस्थान नाही, तांक स्वामी शिवंक पाई हबीर भाग नाही। तांकु तो एक कथा मालूम नथिला ना ए यज्ञ केवल शिव अवमानना पाई प्रस्तुत करा जाइछि। जेतेबेले देखिले यज्ञ रे तांक स्वामींकर निंदा करा जाउछि, तांक स्वामींकु प्रशंसा करा जाउ नाही, तांक स्वामींकर उचित स्थान तांकु दिया जाउ नाही, से प्रतिवाद करि उठिले बोली एशियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनेक दुख अनेक क्षोभ सेथिरे पुणी स्वामींकर निंदा सबु हेइ पारिबो, स्वामींकर अपमान किंतु स्त्री सज्य करि पारिबो नाही। गोस्वामी बड़ सुंदर शब्द रे कहिले यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमान। जदियो संसार रे अनेक दुख अच्छी से दुख को सही हेब, से दुख को सह्य करी हेब, किंतु सबुठारु कठिन दुख हेउची अपमान ताकु सही हेब नाही। कौन देखिले यज्ञशाला रे चली स्वामींकर अपमान। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहां तह असीमर जादा। कले जो स्थान रे संथंकर शंभु अर्थात महादेवंकर श्रीपति अर्थात भगवान विष्णुंकर अमर्यादा करा जाए से स्थान को तत्क्षणत त्याग करदेव बोली एशियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो जीभ अपवादर बाणी उच्चारण करुथिबो से जीभ को काटी देले किछि पाप नाही बोली एशियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मोर माँ मने बापा मने काटियो तासु जीभ सो बसाई। गोस्वामी कहुचंती से जीभ को काटी दियो श्रवण मुदीन त चलिय पराई, कान को बंद करी दियो कान रे हाथ दे दियो से स्थान छाड़ी चली जाओ। किंतु जगत माता पति परायणा स्वामी को ढेर भल पाती, भूल सिना टिके हेगला स्वामी को कथा नमानी भगवान श्रीराम को परीक्षा करिया को चली गले, आज एड़ बड़ दशा भोगुचंती आखि आगरे पितांक घरे स्वामी को अपमान करा जीव। से तत्क्षणात कहिले हे साधु संत मुनिगण माने मन रख जेउ माने मिलित भाव रे शिव अपमान करूछ तुमर एठी त्राही नाही त्राही नाही त्राही नाही। हे पिता आपण मोर पिता हई पारंती किंतु शिवंकर अपमान करी जगत रे केही उत्तम स्थान पाई नाही कहार कल्याण हे नाही। एतिकी कही निजे निजर स्वामी को स्मरण कले, स्मरण कले जगतपति भगवान श्रीराम को। हे श्रीराम जदि मोर स्वामी भक्ति सत्य ही थाए जन्म परे जन्म मते मोर प्राणर ठाकुर स्वामी
ଶିବଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ମୋର ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଶିବନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଖି ମୋର ଶିବନିନ୍ଦା ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଆଖି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛି, ସେ ଆଖି, ସେ ଶରୀର, ସେ କାନକୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଶିବ ସ୍ମରଣ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ମରଣରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ମାତା ସତୀ ନିଜକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଇ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଏଶିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା, ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଶିବ ନିନ୍ଦା, ଶିବ ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ, ସମସ୍ତେ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଗଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ଏ ଦଶାକୁ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଯଦି କାହାର ଦାଢ଼ିକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲେଣି, କାହାକୁ ମୁଥ ବସେଇଲେଣି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଶକତ ଗୋଇଠ ଦେଲେଣି, କାହାକୁ ଚିତିପଟାଙ୍ଗ ମାରି ଶୁଆଇ ଦେଲେଣି, ମୁନି, ଋଷି, ସାଧୁ, ସନ୍ତ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ନର, କିନ୍ନର ସବୁ ଶିବଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଣେ ନାରଦ ଯାଇ ଖବରଟା କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମା, ଆମର ଶିବ ଅପମାନ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେଣି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଟାଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ବିକଟ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଯା ଯା ଯା, ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ବୋଲି ଏଶିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବୀରଭଦ୍ର ଆସିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଲେ। ଦକ୍ଷ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଗଣ୍ଡି ଧରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକିରି। ଭୃଗୁ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଭଲ ମୁଥ ତାଙ୍କୁ ଥୋଇଲେ। ଭୃଗୁ ବିଚରା ମାଡ଼ ଖାଇ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଗଲା ବୀରଭଦ୍ର ଆଉ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ, ଶିବ ପୁରାଣରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଏ। ନାନା ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାମାୟଣ କଥା କହିବେ, ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ସତୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମୟର ଆଦେଶ, ବାଣୀ ଆଜି ଏଇଠି ବିରାମ ନେବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ସତୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର କଥା। ଆଉ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନଭରି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଶିବ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡେ ତୁମ ଭାଇ, ଶିବ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡେ ତୁମ ଭାଇ, ରାମ ରାମ ଗାଉଥାଅ ଶିବାଳୟ ଯାଇ, ରାମ ରାମ ଗାଉଥାଅ ଶିବାଳୟ ଯାଇ, ଶିବ ହୋଇବେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ, ଶିବ ହୋଇବେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆହା ଧନ୍ୟ ହେବ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ, ଧନ୍ୟ ହେବ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ, ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି।